एक छोटी सी कहानी है। जब समुद्र पे पुल बनाया जा रहा था, राम जी की सेना पुल बना रही थी, तो पत्थर फेंके जा रहे थे समुद्र में। अब पत्थर समुद्र में लहरों से बह जा रहे थे, कोई भी पत्थर पुल के शेप में, ब्रिज के शेप में नहीं आ रहा था। जितने पत्थर फेंके जा रहे थे वो तैर तो रहे थे पर बिखर जा रहे थे लहरों से, क्योंकि सीमेंट वाला कोई कंसेप्ट तो था नहीं पहले। तो सब सेना दौड़ती हुई राम जी के पास आई कि भगवान, पुल तो बन नहीं सकता, हम पत्थर फेंक रहे हैं, तैर तो रहे हैं, पर समुद्र के लहरों के भाव से पत्थर बिखर जा रहे हैं। राम जी ने बोला, कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो, देखते हैं क्या होता है। 4 दिन तक वानर सेना मेहनत करती रही और पुल नहीं बना, लेकिन एक समुद्र का एक किनारा पूरे पत्थरों से भर गया, जो पानी में तैर रहा था लहरों से बिखर गया था और पत्थर ही पत्थर बह रहे थे। तो हनुमान जी ने बोला कि भगवान, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब तो बस आप ही बताइए कि क्या करना है। तो राम जी समुद्र किनारे गए और हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे भगवान, अपनी कृपा दृष्टि हम पे डालिए, कुछ सहायता करिए। अब क्या हुआ कि जितने जलचर थे, जल जीव थे, वो तल से अतल पर आ गए और सारे पत्थरों को समेट कर एक पुल के शेप में ला दिया। और जितने घड़ियाल, मगरमच्छ, मछलियां बड़ी बड़ी थी, उन्होंने दोनों साइड तरफ से ब्रिज के पत्थरों को रोक लिया और खड़े हो गए पानी में और ब्रिज बन गया। तो हनुमान जी बोले कि भगवान, जब सब कुछ आप ही को करना था तो 4 दिन से हमारा व्यर्थ मेहनत क्यों करवा रहे थे। तो राम जी ने पता है क्या कहा कि देखो हनुमान, पुरुषार्थ तो आदमी को जगाना ही पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। एक निश्चित काम करने के बाद ही कृपा दृष्टि बनेगी। जब पुल ही नहीं रहेगा, जब पत्थर ही नहीं रहेंगे पानी में और उचित पत्थर नहीं रहेंगे, जितना चाहिए उतनी संख्या में पत्थर नहीं होंगे, तो फिर ब्रिज बन कैसे सकता था। तो पहले हमने पुरुषार्थ किया, कितने सारे पत्थरों को जमा किया और तब कृपा दृष्टि ऊपर से हम पे बरसी। तो आपको पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नदी किनारे बैठ के और सेना हाथ जोड़ के कृपा दृष्टि के लिए कहती कि पुल बन जाए, पुल बन जाए, और पुल बन जाता। तो आप एटलीस्ट, आपको दौड़ में तो आना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और जब एक निश्चित समय आएगा तो उसका फल भी मिलेगा, कृपा भी बरसेगी। तो अपना मेहनत करने से, पुरुषार्थ से पीछे कभी नहीं हटना चाहिए।